हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज मैंने सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि इस समय सभी को पता है कि बारिश चल रही है तो गांव में लाइट की दिक्कत हो जाती है जब बारिश आती है। तो हमारे यहाँ लाइट नहीं थी तो मोबाइल भी चार्ज नहीं था और थोड़ा हमारे मोबाइल में भी गड़बड़ी हो गई थी तो इस चीज़ें कोई वीडियो नहीं बना पाया है। अभी थोड़ा चार्ज हुआ है मोबाइल तो सोचा चलो एक वीडियो ही बना लेती हूँ। और आज मैंने लगाई है अपनी साड़ी में फाल। अगर मेरे मोबाइल में बैटरी होती है तो मैं आपको फाल लगाते हुए दिखाती। और मैंने इस साड़ी में लगाई है फाल और इस वाली साड़ी में आज फाल लगाई है मैंने। काफ़ी दिन की है साड़ी और इसमें भी कोई फाल मैंने लगा नहीं पाई थी, इसको तैयार नहीं कर पाया और तो इसीलिए इसको मैंने आज तैयार कर लिया है फाल पीको करके। और इसका फाल लगाते हुए वीडियो नहीं दिखा पाई हूँ। अभी अगली साड़ी में लगाऊंगी फाल तो आपको दिखाऊंगी बहुत आसानी से, जल्दी जल्दी से, सिर्फ 15 मिनट में ही फाल लग जाती है और मैं आपको बताऊंगी कैसे लगा लेती हूँ मैं इतनी जल्दी से फाल। और 15 से 20 मिनट लगता है फाल लगाने में मुझे और मैं आपको दिखाऊँगी अगली वीडियो में जब मेरा मोबाइल चार्ज होगा तो दिखाऊँगी मैं साड़ी में इतनी जल्दी से कैसे फाल लगा लेती हूँ। तो ये साड़ी हमारी रखी हुई है, इसी में मैंने लगाया है फाल। और अभी बादल छाया हुआ है, लाइट अभी तक नहीं आई है, थोड़ी आई थी थोड़ी देर के लिए और उसके बाद चली गई है। बरसात में गांव में यही दिक्कत हो जाती है कि लाइट नहीं रहती है तो मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाल पाया है चैनल पे। और अभी तो जल्दी से इस समय मैं जल्दी, कल भी जल्दी से मैंने खाना बना लिया था शाम का और आज भी जल्दी बना लूँगी क्योंकि बारिश के सीज़न में कीड़े गिरने लगते हैं तो फिर गंदगी हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है। और तो इसीलिए जल्दी से खाना मैंने कल भी बना लिया था और आज भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी तो मेरी बन रही है चाय। चाय के लिए मैंने पानी को रख दिया है, चाय बनने के लिए पानी को मैंने रख दिया है। अब इसमें मैं सारा सामान डालूंगी, चाय बन जाएगी मेरी, फिर उसके बाद में मैं जस्ट ही तुरंत ही खाना चढ़ा दूँगी। और थोड़ी ही चाय बना रही हूँ क्योंकि मुझे इस समय शाम को ज़्यादा चाय पीने की इच्छा नहीं होती, सिर्फ सुबह ही चाय पीती हूँ। तो थोड़ी ही बना रही हूँ चाय अभी, तो मैं जो पिएगा वो पी लेगा और उसके बाद में मैं खाना बनाऊँगी। तो फ्रेंड लोग, आज मैं सूखे दूध की चाय बनाऊँगी। तो मैंने ये सूखे दूध का डिब्बा मंगाया हुआ है, अमूल का है, अमूल का दूध पाउडर है। तो इसकी मैं आज चाय पहली बार ही बनाने जा रही हूँ, ऐसे दूध की मैंने चाय नहीं अभी तक बनाई है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी बना के देखती हूँ, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये खाने के लिए मंगाया है मैंने दूध का पाउडर, देख सकते हैं बहुत अच्छा लगता है खाने में और ये मंगाया है। तो अब इसको मैं दूध में इसी की चाय बनाऊंगी। तो मेरा दूध पानी, सॉरी सिर्फ पानी ही हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें मैंने डाल दिया है पहले दूध का पाउडर और इसको मैं घोल लूँगी अच्छे से। आज मैं सूखे दूध की चाय बना रही हूँ।